नमस्कार, न्यूज 20 बिहार की आवाज में आपका स्वागत है। हम हाजिर हैं आपके सामने अभी तक की कुछ प्रमुख खबरों के साथ। बड़ी खबर बिहार के समस्तीपुर से आ रही है, जहां प्रॉपर्टी डीलर रिंकू चौधरी हत्याकांड में जिला परिषद सदस्य रिंकू कुमारी के पति शिवशंकर राय को आरोपित किए जाने पर जिला परिषद सदस्यों ने कड़ा ऐतराज जताया है। जिला परिषद सदस्यों ने संवाददाता सम्मेलन कर मामले की उच्च स्तरीय जाँच कराने की मांग की है। बाद में जिला परिषद सदस्यों का एक प्रतिनिधिमंडल एसपी विकास बर्मन से मिलकर ज्ञापन सौंपा। जिला परिषद सदस्य रिंकू कुमारी का कहना है कि घटना के दिन शाम 7 बजे तक शिवशंकर राय गांव के एक पंचायती में थे। इसके बाद वह रात 11 बजे तक पूर्व वार्ड सदस्य बहादुर शर्मा की माताजी के निधन पर आयोजित श्राद्ध क्रम में थे, जिससे संबंधित साक्ष्य भी उनके पास फोटोग्राफ के रूप में मौजूद है। जिप सदस्यों का कहना है कि घटनास्थल के पास कई सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, जिससे मामले का खुलासा किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव को देखते हुए श्री राय की लोकप्रियता से घबराकर विरोधियों ने एक साजिश के तहत इस कांड में उनका नाम डलवाया है। आपको बता दें कि 28 सितंबर की रात अज्ञात अपराधियों ने स्वचालित अत्याधुनिक हथियार से रिंकू चौधरी की उस समय हत्या कर दी थी, जिस समय वे अपने घर के दरवाजे पर ग्रिल को बंद कर बैठे हुए थे। इस कांड में 2 दर्जन से भी अधिक गोलियां रिंकू चौधरी के ऊपर बरसाई गई थी, जिससे उनकी मौत मौके पर ही हो गई थी, जिसमें मृतक की मां सुबोध देवी के फर्द बयान पर 8 लोगों को नामजद किया गया था, जिसमें से एक आरोपित को नगर थाने की पुलिस ने पूर्व में ही गिरफ्तार कर जेल दिया है। प्रेस वार्ता के दौरान जिला परिषद सदस्य संजीव कुमार, रंजन कुमार, रजनीश कुमार राय, रामदेव राय, संजय त्रिवेदी, राजकेश्वर पासवान, स्वराज पासवान, प्रेम कला राय, रामप्रीत पासवान, सरपंच बेबीसा, प्रेम पासवान, मन्नू पासवान, राजकुमार राय, विनोद कुमार, कपलेश्वर सहित दर्जनों जनप्रतिनिधि सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए मौजूद थे। अभी तक के लिए बस इतना ही, कुछ देर बाद हम फिर हाजिर होते हैं कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक बने रहिए बिहार की आवाज के साथ। नमस्कार। हम उससे बहुत दुखी हैं, मेरा संवेदना उनके साथ है, उनके परिवार के साथ है। और हम अपने आप लोग मीडिया कर्मी के माध्यम से पुलिस प्रशासन को और यहाँ की सरकार से अपील करते हैं कि इसमें जो भी दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, और जो लोग निर्दोष में फंसाया गया है उनको आरोप मुक्त किया जाए। इसमें हमारे पति समाज सेवी शिवशंकर राय जी का भी नाम दिया गया है, इससे हमारे पति की छवि खराब हो रही है और उन्हें मानसिक यातना हो रही है। हम चाहते हैं कि उनको इंसाफ मिले और उनका आरोप मुक्त किया जाए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम जिला पार्षद रिंकू कुमारी, वार्ड संख्या 11। यहाँ जो काशीपुर में रिंकू चौधरी जी की हत्या हुई है, हम उससे बहुत दुखी हैं, बहुत मर्मत है, हमारी संवेदना उनके परिवार के साथ है। और इसमें हम मीडिया के माध्यम से यहाँ के प्रशासन को और यहाँ की सरकार को ये कहना चाहते हैं कि इसमें जो भी दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, और जो लोग निर्दोष हैं उनको आरोप मुक्त किया जाए। इसमें मेरे पति शिवशंकर राय जी का भी शिवशंकर राय जी पर भी आरोप लगाया गया है। कुछ सामाजिक तत्वों ने राजनीतिक साजिश के तहत उनका नाम इसमें डलवा दिया गया है। हम लोग चाहते हैं कि आप लोग के माध्यम से हमारे पति को इंसाफ मिले। हम चाहते हैं कि हमारे पति की जो छवि खराब हो रहा है, जो लोग छवि खराब करने के लिए उनका नाम डलवा दिए हैं, उसके लिए हमारे पति को आरोप मुक्त किया जाए। इसकी शिकायत कहाँ, कहीं बड़ी पदाधिकारी के साथ भी की गई है क्या? देखिए, हम ये लोग हमारे क्षेत्र के लोग हैं जो सभी साइन करके दिए हैं। अभी हम लोग हो सकते जाएंगे मिलने एसपी साहब से और उनको ये सौंपेंगे ज्ञापन।